आरिस अभी भी जेबू से मोहब्बत करता है, उसके दिल में जेबू को पाने की ख्वाहिश तो होगी ना, और क्या पता जेबू भी मुझसे बदला लेना चाहे। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, उसका बाप कभी भी उसकी शादी आरिस से नहीं करेगा। ये क्या क्या सोचती रहती हो बेटा तुम, क्यों खामखा का वहम करती हो, टेंशन लेती हो, ऐसा नहीं सोचते? दादी ऐसा हो भी तो सकता है ना, जेबू के घर वालों का यहाँ आना अच्छा नहीं है। अरे बेटा अफसोस करने के लिए आए हैं, अफसोस करके चले जाएंगे। अरे तुम इन बातों का गलत मतलब ना लो बेटा। और आरिस को देखे जरा, उनके साथ ऐसे बैठा हुआ है जैसे धनी कोई खास मेहमान हो।